हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम पंकज, आई एम योर कंप्यूटर टीचर. आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एट योर होम एंड एंजॉयिंग द विंटर. लेट्स स्टार्ट टुडे. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक चैप्टर 8 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि है स्मॉल बेसिक. एज वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट स्मॉल बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखना, दैट इज प्रोग्रामिंग. ठीक है, कोई भी समस्या अगर होती है तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर लिखते हैं तो उसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं. जब कंप्यूटर को समझाने के लिए वो स्टेप लिखते हैं तो उसे हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कहते हैं. तो कोई भी चीज अगर हमें लिखनी होती है ना, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द लैंग्वेज विच विल बी यूज. हमें एक लैंग्वेज जाननी होगी तभी हम कुछ लिख सकते हैं. अब कंप्यूटर में अगर हमें कंप्यूटर से बातचीत करनी है, कंप्यूटर को समझाना है, देन फर्स्टली वी शुड नो द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है वो हमें जानना जरूरी है, तभी हम उस भाषा में कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. इसके लिए बहुत सारी भाषाओं का इवोल्यूशन हुआ है, जिसमें से एक भाषा है स्मॉल बेसिक. स्मॉल बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. मैन्युअली वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हाउ द कंप्यूटर विल परफॉर्म द पर्टिकुलर ऑपरेशन. ठीक है, इससे पहले आपके बुक में एक और वर्ड यूज किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम. एल्गोरिथम हम पहले बात कर चुके हैं. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसी भी जो सोल्यूशन है, किसी भी टास्क को करने का स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है, बट इसकी जो राइटिंग लैंग्वेज होगी वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होगी. इट इज अ लैंग्वेज विच इज सिंपल, वी आर लर्निंग, वी आर रीडिंग. जो हम लोग जनरली जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में उस प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम. ठीक है, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक ऐसी लैंग्वेज है, लैंग्वेज या एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन लिखने का एक तरीका है. इट इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट द प्रोग्राम इन आवर लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं. जब भी हम कोई एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, देन फर्स्टली वी यूज फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, देन वी यूज ऑलवेज स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टार्ट. स्टार्ट टेल्स दैट ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग हो रही है किसी प्रोग्राम की. अगर मान लिया हमें एक प्रोग्राम एल्गोरिथम लिखना है कि हमारे पास एक टास्क है कि हमें दो नंबरों को एड करना है. ठीक है, तो दो नंबरों को ऐड करने के लिए हमें कोई एक टास्क उसको कंप्लीट करना है, देन व्हाट वी शुड डू. हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखने का तरीका क्या हो, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट. देन हम लिखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है. अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी. तो फर्स्ट अगर हमें ऐड करना है तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एटलीस्ट दो नंबर चाहिए जिनका हम एडिशन करेंगे. अज्यूम करते हैं वो नंबर हमारा ए और बी है. देन सेकेंड स्टेप वी विल यूज टेक टू नंबर ए एंड बी. ए और बी दो नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं. इसके जगह पे आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर्स हो सकता है जिसको हम लोग यूज करेंगे. देन तीसरा स्टेप क्या होगा? एड ए एंड बी. ए और बी को ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद हम इस रिजल्ट को किसी और जगह पे स्टोर करेंगे. ऐड ए एंड बी एंड स्टोर रिजल्ट इन सी. मतलब सी को एक प्लेस है जिसमें हम लोग ऐड का जो ऐड हम करेंगे ए और बी का, उसका रिजल्ट हम लोग सी में स्टोर करेंगे. फोर्थ स्टेप हम लिख सकते हैं, स्टेप फोर, प्रिंट सी. सी का मतलब हो गया रिजल्ट. रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करेंगे या डिस्प्ले करवाएंगे. ठीक है, और लास्ट में जब हम प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, रिजल्ट हमको मिल गया, देन वी विल यूज लास्ट स्टेप एज एंड. तो कोई भी एल्गोरिथम लिखने का ये बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक तरीका है. कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिंपली हम लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसी भाषा में इसका सोल्यूशन लिखा गया है, उसके स्टेप्स को लिखा गया है. इसी तरह से कोई भी
सॉल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम जो हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, मान लिया हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऑल दीज सॉल्यूशंस, ऑल दीज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के जरिए फर्स्टली वो एल्गोरिथम में लिखा जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो उस एल्गोरिथम को फिर से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। एल्गोरिथम की ये खासियत भी होती है, एल्गोरिथम की खासियत यही है कि कोई भी एल्गोरिथम अगर हम लिख लेते हैं, दैट इज अगर हम आसानी से लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, तो उसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो स्मॉल बेसिक हो, आप लोगों ने नाम सुना होगा जावा का, सी का, सी प्लस प्लस का, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया की होगी उसमें हम ये प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, अगर हमको एल्गोरिथम हमने किसी प्रॉब्लम का बना लिया है तो। एल्गोरिथम की सबसे अच्छी बात ही यही होती है कि इफ वी राइट एनी प्रोग्राम इन एल्गोरिथम देन इट इज इजी टू कन्वर्ट इट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो स्मॉल बेसिक हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, वॉट एवर इट इज, किसी भी प्रोग्रामिंग में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम लोग यूज कर सकते हैं एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम लिखने का तरीका क्या है। लिखने का बस तीन ही रूल याद रखना है। पहला रूल, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होगा, उस पर बेसिक स्टेप्स जो हम लोग परफॉर्म करते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, वो सारे स्टेप्स लिखना है। और तीसरा सबसे लास्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा एंड। ठीक है, आपकी बुक में भी देखेंगे आपके पास एल्गोरिथम दिया हुआ है कई सारे, टू फाइंड एडिशन ऑफ टू नंबर एल्गोरिथम, टू मेल लेटर बाय मेल योर फ्रेंड्स, इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल आपको बुक में देखने को मिलेंगे एडवांस। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, सारे एल्गोरिथम को आपको समझना है कि कैसे ये सारे एल्गोरिथम वर्क कर रहे हैं और कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम के एडवांटेज क्या क्या है, अगर हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके एडवांटेज भी होते हैं कुछ। जैसे अभी हमने बात की कि एडवांटेज होते हैं जिसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही एडवांटेज कुछ एल्गोरिथम के एडवांटेज और भी हैं। जैसे नंबर एक, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। पहला एडवांटेज क्या है, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये हो गया कि ये समझने में आसान है। समझने में आसान क्यों है, आसान इसलिए है क्योंकि ये जो लैंग्वेज, जो भाषा का इस्तेमाल करता है, वो वही भाषा का इस्तेमाल करता है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इस वजह से इसको समझना और लिखना दोनों ही क्या है, बहुत ही आसान है। तो एक एडवांटेज का ये होगा, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरे एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं, They are easy to implement. They are easy to implement. Second advantage क्या है इसका, कि ये implement करना आसान है। implement का मतलब ये होगा इसको कहीं भी अगर use करें, इसको लिखना भी आसान है और इसको implement करने का मतलब अगर हम इस स्टेप्स को पढ़ के कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली वो टास्क जिसके लिए वो एल्गोरिथम बनाया गया है वो आसानी से हो पाएगा। साथ ही साथ इसको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, दे आर इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, दे आर easy to modify. They are easy to modify. इसको modify करना आसान है। modify का मतलब हो गया अगर हमें कहीं कुछ गलती लगती है, कुछ change करने की जरूरत लगती है, क्योंकि हर एक step जो है वो एक single steps को denote करता है। एक task को हमने कई भागों में तोड़ दिया है। एक ही task को हमने एक task लिया था, अभी example में कि हमें दो नंबरों को add करना है और उसको हमने बहुत सारे स्टेप्स में तोड़ दिया है, तो किस स्टेप्स को पकड़ के हम आसानी से मॉडिफाई करते हैं। अगर हमको लगता है कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो हमें आसानी से उस स्टेप तक पहुंच के हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं दे आर इजी टू मॉडिफाई। कुछ भी अगर हमें मॉडिफाई करना हो, उसके सिक्वेंस को मॉडिफाई करना हो, या उसमें रिजल्ट हमारा करेक्ट नहीं आ रहा है उन्हीं स्टेप्स की मदद से, तो हम आसानी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है इजी
इम्प्लीमेंटेशन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इजी इम्प्लीमेंटेशन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर हम कोई एल्गोरिथम सक्सेसफुली अगर हम लिख लेते हैं तो उस एल्गोरिथम को हम दुनिया की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. हम चाहे जैसे हम लोग स्मॉल बेसिक में कर रहे हैं, तो अगर हम सक्सेसफुली कोई एल्गोरिथम बना लिया है तो एल्गोरिथम के को इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा. ठीक है, ये बेसिक एडवांटेज है. इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. What is the advantage of the algorithm? What is algorithm? Already हमने क्वेश्चन करा दिया है आपकी क्लास को कॉपी में, इसका हमने पीडीएफ भी भेजा था. और उसका एडवांटेज भी आप लोग एडिशनली लिख लीजिए अपनी नोटबुक में. What is algorithm and what is advantage of algorithm is they are easy to understand, they are easy to implement, they are easy to modify and easy implementation of implementation in other programming languages. ये चार जो एडवांटेज है इसको भी अपनी क्लास और कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए. ओके, नोट डाउन दीज थिंग्स. आई विश आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा. और अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक जो हमारा है फ्लो चार्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. तो फ्लो चार्ट के बारे में क्या है, कैसे, इसके बारे में आप लोग बुक में रीड जरूर कर लें, जिससे हम आगे समझें सबको आसानी से समझ में आएगा. इट इज वेरी इजी एज इट इज एल्गोरिथम है, ऐसे ही फ्लो चार्ट है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर राइट द प्रोग्राम. ठीक है, किसी प्रोग्राम को लिखने में भी फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज वी आर यूजिंग एल्गोरिथम. क्या है, कैसे यूज करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.